सीटेट दिसंबर 2022 को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उनके लिए गुड न्यूज़ है, जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो कि उनको संकट में डाल सकती है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है यह वीडियो उनके लिए है, और जिन लोगों ने भर दिया है यह वीडियो उनके लिए भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अभी आपको पता है कि पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर इस सीटेट फॉर्म को अप्लाई आवेदन मांगा जा रहा है, जिसमें जो पहले फॉर्म भरेगा उसको पहले सेंटर अलॉट हो जाएगा। फॉर्म भरते वक्त आपको जो भी सेंटर यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे वो उस ऑप्शंस को अगर आपने चूज किया है तो वहाँ पर अगर आपने लॉक कर दिया है तो आपको 100% वो आपको मिल जाना ही है। तो जिन लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने स्टेट में जिस सेंटर को अपना लॉक किया था उनको 100% वो सेंटर मिलेगा, और जिन लोगों ने अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है या फिर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उनको यहाँ पर 100 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक दूर का सफ़र करना पड़ सकता है। तो इसके लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बैड न्यूज़ भी मान सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट आगरा में यहाँ आप देख सकते हैं कि 10,393 जो है सीटें अभी वैकेंट हैं। इलाहाबाद प्रयागराज में फुल हो चुकी हैं, अयोध्या में सीटें फुल हो चुकी हैं, बलिया में फुल हैं, बरेली में 5,293 सीटें बाकी हैं अभी, बस्ती में फुल हो चुकी है, बिजनौर में 53 सीट बाकी है, गाज़ियाबाद में 37,723 सीटें खाली हैं, गाज़ीपुर में फुल हो चुकी हैं, गोरखपुर में 12,722 सीटें हैं, झांसी में फुल हैं, कानपुर में खाली है, लखीमपुर में खाली है, लखनऊ में खाली है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर वैकेंट वगैरह। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बिहार में भी लगभग सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। एक आरा, बरहपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरनगर, पटना और समस्तीपुर, ये जो है दोस्तों 2, 4, 6, 7 सेंटर बनाया गया है बिहार में जो कि सभी सीटें फुल हो चुका है। अब बिहार वासियों ने जो भी फॉर्म भरेंगे उनको उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड जो है सेंटर भेजा जाएगा। इसका मतलब अभी जो सीटें खाली हैं उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग के लिए भी नहीं है, वो हो सकता है दूसरे राज्यों के लिए भी खाली हो, उसमें भर सकते हैं। मध्य प्रदेश देखिए, भोपाल में सीटें खाली हैं, ग्वालियर में खाली है, वैकेंट सीट है, इंदौर में है, जबलपुर में है और रीवा में है। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सीटें हैं, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन। तो आप मध्य प्रदेश के लिए जो है यहाँ पर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी सीटें अभी खाली हैं। इसके बाद देखेंगे दिल्ली में जो है सीटें खाली हैं, और डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, द डिस्ट्रिक्ट विच इज फुल विल नॉट गेट द एग्जाम सेंटर बट यू विल हैव टू चूज द सेंटर इन सम अदर डिस्ट्रिक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग वेट मत कीजिए कि एग्ज़ाम जो है मैं फॉर्म बाद में अप्लाई करूँगा, आप जितनी देर से अप्लाई देर में बाद में अप्लाई करेंगे आपको उतनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपकी बहुत बड़ी खबर है। अगर आप लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए।